गाइस मैंने ये ज्यादा शाइनी वाला मतलब डन कर दिया। ये ना बाबा अच्छा लग रहा है। यहाँ रास्ते से निकल रहे थे और कुछ मतलब ये बाबा कौन से होते हैं, निगम वाले नहीं होते, इन्होंने घेर लिया भाई इनको फ्रूट्स वालों को। और पता क्यों, क्योंकि इन्हें पन्नियाँ जब्त हुई हैं यहाँ से बहुत सारी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानस कांट व्लॉग। एंड गाइस मस्त नहा धो के अपने लोगों ने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है मस्त बिल्कुल। सुबह का अभी 12 बज रहा है दोपहर का। एंड अभी का सीन कुछ ऐसा है, अभी हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। काम यह है कि भाई बाइक जो है पापा वाली वो खराब हो चुकी है, फुल्ली खराब हो चुकी है, उसको देकर आना है सर्विस के लिए। तो ये पापा और मैं जा रहे हैं सर्विस के लिए, देकर आते हैं उस बाइक को। उससे पहले चलो खाना पीना खा लेते हैं, परौठे अपना, ये सॉस और मेयोनीज डाल दिए, और ये है क्या बोलते हैं अपना, क्या है मम्मी है मम्मा भी गोभी मटर, गोभी मटर ये इसलिए है। ये पता नहीं कौन सी सब्जी आ गई, मटर गोभी कीमा, मटर गोभी का कीमा। कीमा क्या होता है, गोभी का कीमा। कीमा तो वो नॉन वेज होती है। अब सोच हम नॉन वेज चीज को भी वेज बना रहे हैं। एंड गाइस मेरी मम्मी है बहुत टैलेंटेड है यार। एंड गाइस आज बहुत सारे काम करने हैं मुझे, एक शादी की हुई शादी है ना उसके लिए प्रिपेयर होना है बिल्कुल सही से। कोट पैंट, भाई कोट पैंट सही है, कोट पैंट ना शादी के अलावा वो एक जगह और पहनना है बहुत अच्छी, मतलब उसका ब्लॉग आएगा या नहीं आएगा, आएगा ब्लॉग आएगा उसका बहुत अच्छी तरीके से आएगा। एंड चलो पहले बहुत सारे काम है, गाड़ी भी देनी है, बहुत सारे काम भी करवाने, और दीदी मेरे और सब भाई बहन तो चले गए अपने अपने स्कूल, बस मैं ये फालतू हूँ। खाना पीना मस्त हो चुका है और यहाँ पर देखो दूसरी बार खाने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ भी देखो, ये देखो मेरी मम्मी को, मम्मी काम करो आप जाकर, आप अच्छे नहीं लग रहे बैठे हुए, चली जाओ। ढोल आए मम्मी को, ढोल बोल दिया। देखो मम्मी आप भी कुछ बोलो। मेरी मम्मी यहाँ को चलता रहता है, कोई किसी को ढोल कहता है, कोई किसी को नगाड़े कहता है, ऐसा चलो चलता रहने, ऐसा ही चलता रहना चाहिए। और चलो अभी चलते फटाफट से, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मम्मा कितना बोलती हूँ आप। एंड गाइस वो देखो वहां से भाई, छोड़ो छोड़ो मैं जा रहा भाई गाड़ी की सर्विस कराने, मैं जा रहा गाड़ी की सर्विस कराने। गाइस पापा लेकर जा रहे स्कूटी, मैं ये वाली बाइक और वाली तो वहीं खड़ी रहने दो, वो सही है अभी अभी इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलो मम्मी अभी चलिए सर्विस कराने, अभी चलोगे सर्विस कराने गाड़ी। एंड गाइस इस बाइक की सर्विस होगी, मैं पापा के साथ वापस आ जाऊंगा, इसलिए दोनों गाड़ी लेकर जा रहे हैं हम। भाई सर्विस कराने बाइक की, और बाइक दे रही है भैया लेकर, मतलब सारी सारी से होकर मिल जाएगी गाड़ी मस्त अपना। भाई बिल्कुल सॉकर वॉकर के सब लीक हो गए थे, अब सही हो जाएगी, मतलब शाम को आएंगे लेने। अब इसको गाड़ी वगैरह मतलब भैया को वहाँ सर्विस के लिए देने के बाद पहुँचे थे घर हम लोग सीधे, क्योंकि यार हम तो डायरेक्ट निकल जाते बड़े मार्केट इसलिए निकले, क्योंकि भाई हेलमेट नहीं था हम पे, हेलमेट आई बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर खासकर। एक तरह दिक्कत भी नहीं होती पहनने में, क्या दिक्कत है भाई, जब से मेरा हेलमेट आया तब से मैं तो और अट्रैक्ट हो गया हूँ हेलमेट की ओर, कि भाई पहन के चलो जहाँ भी जा रहे हो। और अभी हम हेलमेट ही लेने आए, पापा आपको वाला ही ले आऊँ ना। एंड गाइस मोटो ब्लॉग तो करूँगा नहीं मैं, क्योंकि भाई वो माइक यानी तो दिक्कत नहीं हो रही, ये पापा वाला ही ले चलते हैं भाई, क्योंकि सही रहता है भाई ये वाला। नगर निगम वाले नहीं होते, इन्होंने घेर लिया भाई इनको फ्रूट्स वालों को। और पता क्यों, क्योंकि इन्हें पन्नियाँ जब्त हुई हैं यहाँ से बहुत सारी। और भाई अंकल मस्त, कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है वैसे इनकी, पन्नियाँ जब्त कर ली भाई, हो गया काम इनका। भाई पीछे भाग रहे थे भैया है ना, पन्नी पीछे फेंक दी थी उन्होंने। लोकेशन पहुंच गया, जाते हैं कपड़े लेने हैं मुझे अपने, मतलब कोट पैंट लेना है, लेकिन गाड़ी की पार्किंग यहाँ करनी पड़ रही है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भाई। और भाई यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा आगे पैदल पैदल, क्योंकि आपको बताइए कि मतलब पुल वगैरह काम चल रहा है, जो कि मैं ब्लॉग में दिखाई देता हूँ आप लोगों को। और बढ़िया को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक और पुल बन चुका है, ये भी दिखाया मैंने ब्लॉग में आप लोगों को, इसे नहीं देखा जल्दी जाकर वाला ब्लॉग भी देख लो। पहली बहुत शॉप पे, और भाई यहाँ देख रहे हैं अभी कोट कोट पैंट अपने लिए, मैं तो पहले रेडीमेड देख ले रहा हूँ, अगर रेडीमेड मिल जाता है तो फिर सही है, वरना सिलवाई लेंगे। यहाँ पर अंकल ने हमें दो रंग दिखाए हैं, एक तो ये वाला है और ये वाला, ये मतलब ये ज़्यादा शाइनी है ना, ये ज़्यादा शाइनी है और ये मतलब कम शाइनी है, कौन सा सही लग रहा है अब। अरे यार गाइस मैंने ये ज़्यादा शाइनी वाला मतलब डन कर दिया, अब ये ना बाबा अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर भैया मिले और भैया कह रहे हैं हम तो भाई दुकान में रहते भी हैं तो भी नहीं पहनते कोट पैंट, क्योंकि शौक नहीं है भैया को। वैसे मुझे भी शौक नहीं है, मुझे जैकेट ही सही रहती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एक अच्छी जगह जाना ना, मतलब अभी बता नहीं रहा हूँ किसी, सस्पेंस ही रखा है मैंने, लेकिन बहुत अच्छी जगह जाना है इसलिए पहनना पड़ रहा है भाई। चलो भैया बाय बाय, थैंक यू भैया, साइज वगैरह सब दे दिए। और चलो अब चलते सीधे हर चीज़ को लेकर आते हैं फटाफट से, निकल जाएंगे घर को, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा रश हो रहा है। यहाँ पर पहुँच चुके हैं यहाँ पर हर चीज़ को लेने, पापा जा रहे हैं भाई,
छोटे से स्कूल में फिर से आ गए हम, छोटे से स्कूल समझ रहे हो, कितने हाइट में कितना छोटा, वो देखो वो बैठा हुआ है वहाँ पर खिड़की के पास बैठा हुआ था मस्त अपना, आ जा, अरे हाथ नहीं हिलाना बारह आओ, इनका देख रहे हो मेरे भाई कितना शैतान हो रखा है भाई, खिड़की में बैठा हुआ था, पापा आएंगे सीधे मैं देख लूँगा, और मेरी तरह होता ना खिड़की पार करके आ रहा था अभी तक। एंड गाइस देखो हर्षित आ चुका है, हर्षित अब लेट ही खेल रहा है गाइस, लेट हो गए, लेट हो गए हम बस, हो तो गए, ये तुम्हारी, ये तुम्हारा रेस ट्रैकर, तुम्हारा यहीं पर ही हुआ थी ना रेस अभी? नहीं, कहाँ हुई थी? बहुत दिन से। अरे पहले हुई थी वो तो, क्या रहा बहुत दिन से हुई थी। हर्षित तू लेके पहुंचे थे सीधे घर पे, और फिर भाई मैंने थोड़ी देर अपना काम वाम वगैरह निपटा रहा था, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, एंड अभी दीदी का कॉल आया कि भाई आ जा तू लेने फटाफट, डाक खाने पर आई हुई हो, और ये कह रहा मैं भी चलूंगा, भाई तुझसे जा मेरी बाइक तो वो खड़ी है इनका ये तो कर रहा है, भले इसको भी जिद कर रहा ना, तो चल इसको भी ले चलते हैं मोटो ब्लॉक करें, हैं गोप्रो इनका इस गोप्रो भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का थोड़ा सा, अभी करा करो भाई करा करो, वी आर फाइनली रेडी फॉर अवर मोटो ब्लॉक, भाई अंदर जाओ, मेरे भाई रेडी हो जाते हैं मुझसे पहले, तो जाओ अंदर, मैं इनको अंदर करने में रह जाता हूँ, कभी अंदर कुछ पता नहीं कुछ देख रहा है ब्लॉग देख रहा अपना, चलो चलते हैं। अरे आ रहा है दिव्यांश, अब भाई वो भी गया मैं ना, अच्छा वो नहीं आ रहा, गेट बंद कर दे गेट बंद कर दे, एंड गाइस मस्त स्कूटी ले जा रहे हैं अभी, अभी ले चलते हैं अपनी वाली बाइक, एंड गाइस चलो अब निकलते हैं फटाफट से, बैठ आइए, अच्छा भाई मैं सब लगता है इसको, मैं गाड़ी को लेकर तो कहीं भी चले जाऊँ, इसको डर लगता है ख़राब ना हो जाए, अगर ख़राब हो गई है भाई ये बैंड बजा देती है बहुत बुरा, क्योंकि इसको भाई तो भारी का बाइक है। हेलो एंड गाइस देखो आज कहाँ खेल रहे हैं लोग, आज यहाँ क्यों खेल रहे हो, आज यहाँ क्यों खेल रहे हो, अरे आज ऐसी भी नहीं जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिली कहीं, और एंड गाइस चलो फटाफट से निकलते हैं, दीदी को लेकर आते हैं, चिल्ला क्यों रहा है, चिल्ला क्यों रहा है, चिल्लाता है, मैं जैसे कहता हूँ मैं कोई एंडिंग करने वाला होता हूँ, करेगा करेगा, एंड गाइस कम ऑन लेट्स गो, गाइस दीदी से मिलो, हमारी हमारी दीदी से मिलो, दीदी से मिलो, दीदी से मिलो, दीदी से मिलो, वो नहीं आया छोटा वाला भाई, उसको पूछ रही है, हम आए तो हमसे तूने पूछा कि तुम क्यों आए, मतलब अच्छे हो सही हो या नहीं हो, हम तेरे भाई नहीं है, सुबह तो मिले थे हम, हाँ देखो गोलू तो सुबह ही मिला था, कितनी गंदी है देखो, ये जो लेने आए हम तो कह रहे तुम सुबह ही मिले थे, एंड गाइस अब हम जाएंगे पुल के ऊपर से, क्योंकि मैं आप लोग को सनसेट दिखाऊंगा, इतना प्यारा सनसेट हो रहा है ना, बहुत ज्यादा प्यारा, एंड गाइस आई होप आप लोगों ने अभी सनसेट देखा होगा, इतना प्यारा सनसेट आया था, क्यों आया था, नहीं आया था मेरे भाइयों की, मेरे भाई दिव्यांश एक पता है जो है जो चिल्लाता रहता है पीछे से, दीदी की ऐसे आवाज आएगी, ऐसे ऐसे आवाज आती है उसकी, खांसी तो खांसो भी तो खांसी की भी आवाज़ नहीं आती भाई, और घर में चिल्लाएगी भाई बहुत गंदी तरीके से, क्या ही बताऊँ, ऐसा लगता है कि हम रो रहे हैं भाई, क्या ही बताऊँ मैं, छोड़ो इसकी तो खांसी पर डिस्कस ही नहीं करेंगे, ओ भाई ये कैसे लहरा रहे हैं भैया बुलेरो वाले, अरे प्लॉट पे पापा हम लोगों को मतलब गाड़ी में रखने ही आता हूँ यहीं पर ना, एज यूजुअल यहीं रखता हूँ गाड़ी में अपनी ये वाली, क्योंकि ये गाड़ी है एक्स्ट्रा घर में, ठीक है ना, क्योंकि भाई इतनी भाई पेट्रोल पी रही है ना हद से ज़्यादा, देखो एक भी डंडा नहीं दिख रहा, अभी जस्ट मैंने अभी भी पेट्रोल पड़वाया इसमें, अब देखो एक दिख गया, ख़राब हो गया भाई इसका ये फ्यूल वाला, और अभी जा रहे हैं हम लोग कहाँ, वो भैया कह रहे थे कि सर्विस हो गई ना बाइक की, बाइक देकर आए थे सर्विस हो चुकी है, पापा का फ़ोन आया था उनका, चलो चलते हैं फटाफट बाइक लेकर आते हैं, सर्विस सेंटर, और देखो अपनी गाड़ी मस्त रेडी हो चुकी है, इसके सॉकर वॉकर सही हुए हैं ना, कौन सा लीक कर रहा था पापा, ये भाई ये वाला लीक कर रहा था सॉकर, और सही हो गए बिल्कुल, अब ये देखो और सारी चीज़ तो सही थी, और मतलब बोल्ट वोल्ट टाइट करने थे वो हो गए होंगे भैया ने खरीद लिए होंगे, देखो अब मस्त रेडी हो गई बिल्कुल नई, लेकिन फिर जब ताऊगी जी के घर की तरफ जाएगी फिर गंदी हो जाएगी देखना, चलो इस वाली को तो पापा लेकर आएंगे अब, लेकिन नई लग रही है भाई बिल्कुल सच में, इसका ये नंबर भी चेंज होने वाला है, मतलब नंबर क्या चेंज होगा, इससे दूसरी गाड़ी नंबर प्लेट लगेगी, अभी बल्ब बेकार था क्या, बल्ब सही था ना, वो हिल रहा होगा ना अंकल कहीं टायर, टायर अंदर से कट गया था, अच्छा अच्छा अच्छा, एंड गाइस बाइक सही हो गई, पापा ले जा रहे हैं तो घर, चलो हम भी अपनी वाली उठाते हैं और निकलते हैं सीधे घर को, पहुँचे घर पे, और भाई हेलमेट अपना रख दिया भाई, सबसे खास हेलमेट अपना है, और अंदर एक बातचीत चली जा रही है कि भाई पापा ने
पापा ने पकड़ लिया रॉन्ग रूट, पापा चले गए इलाहाबाद। अब इलाहाबाद से पहले आएंगे लखनऊ, वो भी एक घंटा रहेगा लखनऊ आने में। और भाई बता नहीं क्या ही देखता रहता है, बंद करो पहले, बंद करो बंद करो बंद करो। इलाहाबाद पहुंच गए पापा, तो ट्रेन नहीं दिखी वाली, दूसरी वाली पता नहीं चला कौन सी ट्रेन में जा रहे हैं। अरे गोली दे रहे होंगे पापा। एंड गाइस पापा पोपट बहुत तगड़ा काटते हैं हमारा। अरे आ रहा वो उसी ट्रेन से, हमें पता है उसी ट्रेन से आ रहे हैं। बच्चे हो तुम, बच्चे आ चुके हैं अपनी मम्मियों के पास। खाना दे दो फिर, खाना अभी देती बेटा, वो सो रहा है, पहले उसको दे दो। हमें तो मना कर दिया जाता है कि भाई तुम मत खाओ, छोटे बच्चे छोटे। मम्मा यार हम भी तो बच्चे हैं। अरे यार खाना बहुत अच्छा बना, देख रहे हो ये दिखाता हूँ, पनीर बना भाई, पनीर पनीर बना हुआ है, रोटी है, रायता है, रायता भी है ना, वो देखो रायता भी है। एंड गाइस बहुत सारी चीज़ बनी है, बस बैठ के खाना पीना खाते हैं। एंड भाई पापा का सीन थोड़ा खराब हो गया, पापा पता खाए लखनऊ में, लखनऊ में भी आ रहे हैं बस से ट्रेन नहीं ट्रेन से आ रहे हैं ट्रेन। पापा की स्मार्टनेस आज पापा को भारी पड़ गई भाई सच में। गाइस रात में तो खाना पीना खाने के अंदर सो गया था भाई, और भाई क्योंकि मेरे गले में थोड़ा पेन हो रहा था ना, मैंने कहा भाई जितना हो सके उतना सो लो, क्योंकि भाई बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, उसे तो भाई रात भर जागना ही पड़ेगा ना। एंड चलो अब वाले ब्लॉग को यहीं पकड़ देते हैं एंड। सो आई होप ये ब्लॉग आप लोग पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड गाइस मैंने आप लोगों से एक चीज़ कही थी कि जिसकी पिछली वाली वीडियो पे कमेंट आएगा तो मैं वो काम कर दूंगा। भाई कमेंट आए ऐसी बात नहीं, कमेंट नहीं आए, लेकिन भाई थोड़े से और कमेंट करो तो अगली वाली वीडियो वही आ जाएगी, पक्का पक्का गारंटी है पूरी मेरी, 110% कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलो इस वाले ब्लॉग को यहीं पर कर देते हैं, टाटा।